ओवकथा तप्तजीवनम कविड़ीतम शापम श्रवणमंगल श्रीमदात भुवि गृणंति भुरीद कर्मयोग के बारे में चर्चा हो रहा था गीता के उद्धृति दे के हम लोग देखे हैं कर्मयोग एक चतुष्पदी आसन के जैसा है चेयर विथ फोर लेग्स कर्मजोग के जो फोर डायमेंशन्स है चार आयाम है वह है कर्म ही तुम्हारा अधिकार है कर्म करना ही तुम्हारा फर्ज है द्वितीय फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कर्म के अनुसार फल होगा अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है तृतीय है कर्म फल क्या मिलेगा देखते हुए कर्म नहीं करना कर्म के पीछे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए कर्म कर्म के लिए ही किया जाए चित्त शुद्धि के लिए किया जाए भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए और चतुर्थ कर्म में अनेक परिश्रम है कर्म करने में अनेक प्रकार अनिश्चितता है ये सब सोचते हुए कभी कर्महीन होना नहीं नियतम करु कर्मत्वम प्रतिनियत कर्म में आपने को एंगेज करके रखना चाहिए हम लोग किसी कहे थे आइडल ब्रेन इज द डेविड ठाकुर भी कहा करते थे कभी मन को अलग नहीं छोड़ना चाहिए हम देखे हैं कि दक्षिणेश्वर में श्री माँ शारदा देवी दिन भर कर्मरत रहते थे लेकिन दोपहर में थोड़ा बहुत विश्राम मिलता था उस समय में भी ठाकुर कुछ उनको कुछ सामान लेके आया बोला इससे तुम ताकिया बना दो मतलब हीज टू कीप हर एंगेज और कहा करते थे कभी खाली नहीं बैठना यह भी बताया माते संग वस्तु अकर्मणि नेवर बी विदाउट एनी वर्क तो ये जी चार प्रकार का जो उपाय बताया है आयाम बता है इससे कर्म करने से वो कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं होगा ये मुक्ति का कारण बनेगा ये गीता के द्वितीय अध्याय का फोर्टी सेवेंथ फर्ष में बताया एवं परवर्ती वर्ष में और एक बात भगवान ने बताया जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कर्म करते हुए कर्म योग हो रहा है या कर्म भोग हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा इसके इंगित दे रहे हैं परवर्ती श्लोक में योग कुरु कर्माणी संगम तक धनंजय सिद्ध सिद्ध समोभूत्व समत्व योग उच्चते ये है परिचय योग का एक परिभाषा दे रहे हैं पहले एक परिभाषा दिया था जो गर्म सु कौशलम अर्थात जो व्यक्ति पारदर्शी है उसका मन संस्कृत है सुचारू है वो कर्म में करने से ही पता चलता है सुष्ठु सुंदर ढंग से करेगा तो उसमें उसका मन अगर सुशृंखल होगा कर्म भी सुशृंखल होगा जिसे कहा जाता है श्री माँ शारदा देवी के प्रतीति कर्म देखने का लायक था सुशृखल था जो आसन लगा रहे संतानगन खाने में बैठेंगे आसन लगा रहे हैं प्रति की प्रतिटी आसन का बीच में जो दूरी समान है प्रतिटी आसन एक रेखा में लगा हुआ है इसलिए ये सब कर्म खुद अपने करते थे क्योंकि इंस्ट्रक्शन देते देते तो हैरान हो जाते थे ये गौरीशरण जी के जीवनी में लिखा हुआ है हम लोग लगा रहे हैं बारंबार माँ कहते ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ लोग परेशान हो जाते थे आसन कैसे लगाना चाहिए खुद करके दिखा देते यह है योगा कर्मसु कौशलम द डिस्टरिटी इन वर्क इज योगा यूनियन विद गॉड दैट एन एनश्योरस इन विद गॉड और अभी जो बता रहे समत्पम योग उच्चते इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड हम समझते हैं जी पातंजलि योग सूत्र जिसे कहा गया है योगा चित्त वृत्ति निरोध ये मन की अवस्था सिर्फ ध्यान से ही मिलता है ये नहीं है यहाँ पर क्या कहा गया है जी अगर कर्म सही ढंग से किया जाए तो कर्म करते हुए हमारा मन की अवस्था प्राप्त होना संभव अभिनव बात बताया मन वही बिंदु पर पहुँच जाएंगे कर्म करते हुए अगर हम कर्म करने का शैली हमें पता रहे वी मस्ट नो द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क तो इसीलिए बताया योग अस्त कुरुकर्मा योग अस्त मतलब जो कर्म करोगे वो ईश्वरार्थ में करना पड़ेगा अपने लिए नहीं एक नया बात बोल रहे हैं जो जब अपने लिए कर्म करोगे तब तो उसमें कर्म शुद्ध कर्म नहीं होगा कर्म में खिंचावट हो जाएगा वो कर्म मन को शांत नहीं रख पाएगा और सिद्ध असिध समूत हुआ कर्म में अगर सफल हो सक्सेस हो हम आनंदित हो जाते हैं अगर फेलियर हो मन विषाद चले जाते हैं तो हर्ष अमर्ष आनंद एवं विषाद दोनों ही वर्जन करके कर्म करना पड़ेगा दोनों ही बराबर है तभी मन समत्व वर्जन करेंगे इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड और वही जोग है जब जो मन शांत हो गया वो आप ध्यान करें या कर्म सी करें रिजल्ट तो बराबर है इसलिए कहा गया है समत्वम नाउ ईश्वर में समर्पण बुद्धि से मतलब है हम जब कर्म करते हैं तब उसमें आसक्ति पैदा हो जाता है संगम तकवाधुर जो उस उच्च आसक्ति संग वो छोड़ना पड़ेगा तभी वो कर्म में मन शांत होगा समत्तम होगा तो आसक्ति क्या है दो किस्म का है एक है कर्माशक्ति दूसरा है फलाशक्ति कर्म करेंगे एक कर्मफल मुझे मिलेगा वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है लेकिन हमें वो कर्म का फल हमारे लिए चाहिए होगी ये हम जब इस आसक्ति से फंस जाते हैं तब वो कर्म हमारे लिए परेशानी का कारण होगा और दूसरा है मैं करता हूँ यह और एक परेशानी है ये भी आसक्ति है आई एम डूइंग द वर्क आई एम द डूअर तो आई एम द डूअर होने से आई एम आई एम बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क कर्म में अच्छा होगा आई फील हैप्पी बुरा होगा देन आई बिकम मोरस ये दोनों ही छोड़ना पड़ेगा कर्म मैं सकती आशक्ति में अटैचमेंट विद ईगो एंड द फ्रूट अगर दोनों ही छोड़ दिया जाए वो कैसे होगा द कर्म मेरा लिए नहीं है आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट कर्म करने वाले मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ ईश्वर कर रहे हैं गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को मई ब अच्छा मई बह तो न्योता पूर्व में वह मई ब हम ये सब जो तुम देख रहे हो शत्रु शत्रु जो है वो सब मैं पहले से उसके मार के रखा हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना है निमित्त मात्रम भव्य सभ्य मैं तो करता हूँ तुम्हारे पीछे मैं ही सब कर रहा हूँ तुम खाली निमित्त बन जाओ नाम के वास्ते और जो इसका जो जो कृतित्व तो तुम ले लो करने वाला मैं हूँ तो अगर इसी करके हम ईश्वर के हाथ में जंत्र मात्र मुझे समझ कर कर्म करें नंबर वन और ये कर्म ईश्वर कर रहे हैं और कर्म का फल भी उन्हीं का है कर्म करने से फल होगा वो मेरा नहीं है वो फल समर्पण कर दिया जाए ईश्वरी करता है तो कर्तापन हट जाएगा एवं तो ईश्वर ही एक कर्म फल को भोगता है उनके लिए बना बनाया जा रहा है वो मेरा नहीं है तो भुक्तपन भी हट जाएगा ऐसी दोनों ओर से अगर कर्तापन भुक्तपन दोनों हट जाए तब क्या होगा कर्म के सिद्धि और असिद्ध दोनों ही हमारे लिए बराबर है अगर सिद्ध होगा फल भगवान का है असिद्ध होगा वो भी नुकसान भगवान का है हमारा क्या है वही करा रहे हैं मैं तो मात्र हूँ जो गाड़ी जो चल रहा है उसको तो ड्राइवर जैसे जहाँ पर चलाएंगे डाइना बाया गाड़ी वहाँ पर जाना पड़ेगा गाड़ी का तो कोई कसूर को नहीं है गाड़ी तो ड्राइवर की इच्छा अनुसार चल रहा है वैसे ही ठाकुर कहे थे कि आमी गाड़ी थी इंजीनियर वही ड्राइवर है तो गाड़ी को जहाँ पर ले जाएंगे वो निश्चिंत होकर चले तो ऐसे ही अगर ईश्वर के हाथ में यंत्र मात्र होकर अगर हम कर्म कर सकते हैं तब क्या होगा समत्वम जो मन की साम्यवाह हो जाएगा मन शांत तो हो जाएगा अगर कर्म योग हो रहा है कि नहीं इसका परिचय है मन की अवस्था देखकर अधिकांश जनरली वेन यू वर्क वी बिकम डिस्टर्ब ये माना जाता है कर्म मन की अस्थिरता का कारण इज ए बिग सब्जेक्ट हम कर्म करने में क्यों हम परेशान होते हैं वाई डू यू वॉन्ट टू रिटायर क्योंकि कर्म हमें परेशान कर देते हैं वी बिकम डिस्टर्ब डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ वर्क हम सोचते हैं कि अगर कर्म ना करें मन शांत रहेगा क्योंकि कर्म करने में मन के जो रजोगुण है उसको लगाना पड़ता है रजोगुण का कारण है डिजायर एक्शन रेसलेसनेस जहाँ कर्म में निजुक्ति होता है उस वहाँ पे अपन मन का चंचलता इस भी है अगर मन चंचल हो जाएगा कर्म करते हुए तो कर्म हमारे लिए तो मन का शांति का कारण नहीं हो सकता है लेकिन अगर वो सकाम कर्म छोड़ के हम निष्काम कर्म करें फलाशक्ति और कर्माशक्ति छोड़े तब जो कर्म पहले हमें मन को चंचलता प्राप्त करवा देते थे वो कर्म हमें मन को साम्यता मन का स्थिति वो हम अर्जन कर लेंगे और इसी को जोग कहलाता है अर्थात जो आदर्श कर्म योगी होगा वो निरंतर कर्म करते हुए मन की समय कभी खो नहीं बैठेगा इसका आदर्श उदाहरण है स्वामी शारदानंद जी जिसके थोड़ा वो चर्चा हम फिर अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णारप नमस्तु आज मंगलवार के अवसर है शाम को संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा हम लोग सब एक साथ करेंगे अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार